मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय में कायाकल्प इनामी योजना के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया के तहत जिला स्वास्थ्य टीम डिविजनल कंसल्टेंट डॉक्टर जसवंत मल, जिला कंसल्टेंट डॉक्टर मुस्तफा खान और प्रोग्राम असिस्टेंट क्वालिटी इंश्योरेंस विजय श्रीवास्तव ने जिला महिला अस्पताल के समस्त विभागों से संबंधित लेखा जोखा का जाँच पड़ताल किया। निरीक्षण टीम को जिला महिला चिकित्सालय के क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश और मेंटरेंट डॉक्टर सुदीपा पीटर ने विस्तृत जानकारी दिया। बताते चले कि कायाकल्प इनामी योजना के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है, जिसमें प्रथम चरण की जांच जिला स्तरीय, द्वितीय चरण में मंडल स्तरीय जांच और अंतिम चरण प्रदेश स्तरीय जांच से होती है, जिसमें अस्पताल की ओपीडी, लेबर रूम, मेटर्निटी वार्ड, पीपी यूनिट, लेबोरेटरी और जनरल वार्ड से 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अस्पताल को पुरस्कार के रूप में प्रति बेड 5,000 रुपए अगले 3 सालों के लिए दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर और डिविजनल कंसल्टेंट डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया। इंजेक्शन रूम में, ओपीडी विंग में, बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से डब्बे रखे हो? मैं आपकी जानकारी ले रहा हूँ, वहाँ पे रखेंगे जी। वो इंजेक्शन रूम में जाके चेक करते हैं। इंजेक्शन रूम में कौन कौन सा है? नीला का कार्डबोर्ड और सफेद पंजाब रूम का डेरा कितने रखा है? है कि नहीं, हमको जानकारी रखा हुआ है? हाँ, चिकित्सालय में सर कुछ टीम आई हुई है, किस तरह का निरीक्षण सर चल रहा है? जिला महिला चिकित्सालय में जो टीम निरीक्षण कर रही है उसमें डॉक्टर जसवंत मन है, डॉक्टर मुस्तफा खान है और ये सीएमओ और एडी ऑफिस में तैनात है, तथा विजय श्रीवास्तव भी उन्हीं के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तथा उनके साथ हमारे हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर और मैटर भी हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि ये एक कायाकल्प प्रोग्राम है जो कि चिन्हित अस्पतालों में चलाया जा रहा है और कायाकल्प के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं या कितनी उपलब्ध हैं या किसकी आवश्यकता है उसके तहत इनका निरीक्षण अभियान चल रहा है। गत माह में क्वार्टर लखनऊ पर मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें स्टेट इंचार्ज डॉक्टर प्रीति मदान द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी अस्पतालों में जो कायाकल्प के अंतर्गत आते हैं उनका निरीक्षण कर और उसकी कमियों को दूर करें। उनका इसमें स्कोरिंग सिस्टम भी है, तो उनके स्कोर 70% से अगर ऊपर आते हैं तो उनकी संतुति पे स्टेट की निरीक्षण टीम आएगी। तो इसके तहत जो गत वर्ष हमारा बहुत कम स्तर था, इसका 34-35% था, उसको मैंने आते ही निरीक्षण कराया तो 64% पर हो गया। अब वो 64% के लिए कट ऑफ जो है 70% रखा गया है। हमने 64% के अंतर्गत आने वाली चेकलिस्ट के हिसाब से काफ़ी कमियां दूर हो गई हैं, तो अब मेरा
84% आ रहा है मेरे निरीक्षण के अनुसार, लेकिन ये टीम अपना निरीक्षण जारी किए हुए है, उसके अंतर्गत कितने परसेंट का स्कोर आएगा ये बाद में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए मिनिमम कट ऑफ 70% रखा गया है और उसके उपरांत स्टेट टीम द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा और उससे पूर्व भी एक रीजनल लेवल की टीम भी आके निरीक्षण कर सकती है। और इस पे जो टीम का स्कोर सबसे ज़्यादा होता है प्रदेश में, उसमें इनाम की योजना भी रखी गई है। प्रथम आने वाली टीम के लिए 10 लाख का इनाम है और इसी तरह से 5 लाख 3 लाख के इनाम उस पर घोषित है। तो इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर सके और इनाम ले सके 10 लाख का। ये जाँच चल रहा है, ये भारत सरकार द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत सभी जिला चिकित्सालयों PSC CSC को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक क्वालिटी चेकिंग होती है, जिसके अंतर्गत उस डिपार्टमेंट का एक एक चीज टॉयलेट से लेकर और वहाँ जो भी फैसिलिटी सरकार दे रही है, जो भी प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और जो सर्विसेज यहाँ की इम्प्लाई देते हैं, वो सारी चीज़ों का क्वालिटी चेक कि उसमें किस स्तर पर क्वालिटी इस समय है, किस तरह से बढ़ाया जाए, क्या कमियां हैं, उसको और किस तरह से इम्प्रूव कराया जाए। ये हम लोग यहाँ के जिस भी जाते हैं, जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में वहाँ के जो अधीक्षक होते हैं उनको कमियां बताते हैं, वो अपने स्तर से सारी कमियां दूर करते हैं। जो शासन स्तर से कमियां दूर करना रहता है वो शासन स्तर से स्वीकृति लेकर उसको दूर करते हैं। ओवरऑल यही है कि क्वालिटी इम्प्रूव करना है ताकि जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिले। इसमें सर ये इसका जो कितने चरण से गुजरना पड़ता है सर? ये 3 चरण से होता है। एक इंटरनल असेसमेंट होता है जो यहाँ के स्टाफ, खासकर जो हॉस्पिटल मैनेजर, मैटर्न और SIC, इन लोगों की एक टीम रहती है, क्वालिटी टीम, वो लोग असेसमेंट करके भेजते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद एक पीयर असेसमेंट होता है जो मंडल स्तर से टीम गठित होती है। टीम तो गठित लखनऊ से ही होती है, लेकिन जो उसके इम्प्लाई रहते हैं मंडल स्तर के रहते हैं, वो आकर पीयर असेसमेंट करते हैं। उसमें 70% से ऊपर अगर क्वालिटी अच्छी रहती है, 70% ऊपर जाता है तो स्टेट द्वारा टीम आती है। अगर उसमें भी अगर 70% से ऊपर आता है तो इसको अवार्ड मिलता है और कैश मनी अवार्ड मिलता है। कितनी मनी सर होती है सर, किस पे मनी खर्चा करना होता है? मनी मतलब जो अवार्ड मिलता है, अवार्ड मनी, अवार्ड 5,000 पर बेड है 3 साल के लिए। अगर सर्टिफिकेट आपको मिल जा रहा है तो सर्टिफिकेट के साथ साथ 5,000 पर बेड आपको अवार्ड मनी मिलेगी 3 साल के लिए। फिर 3 साल बाद फिर आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 3 साल बाद आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो एक्सटेंड होते जाएगा। अब बाकी आगे जो भी चेंजेज हों अलग बात है, लेकिन फिर प्रेजेंट टाइम में इसलिए हुई है।